मालिक वो देखो वो देखो। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। ये क्या है? अरे कैरी भाई टेंशन ना ले, ये आज तक का शो है जिसमें 2023 के बजट पर चर्चा होगी, वो भी आसमान के ऊंचाइयों पर। क्या बात कर रहे हैं? अरे सही तो बोल रहे हैं जी, देख लीजिए। नमस्कार, बजट पर हमारी विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो सही मुड़ गया। ऊंचाइयों को छूता है आज तक, और एक अलग तरह की ऊंचाई आज हम छूने वाले हैं जब 160 फीट ऊंचे बजट पर चर्चा करेंगे। नहीं 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 नहीं, हम कई फीट ऊपर इसलिए लेकर आए हैं ताकि अपने खास मेहमानों से चर्चा कर सके कि क्या वाकई इस बार का बजट भी यही उड़ान भर पाएगा। नहीं। अरे ये बजट ना हुआ मौसी की लड़के की शादी हो। अरे मैडम जी जरा जनता को यह बता दो कि ये पार्टी चल रहा है या बजट पर चर्चा हो रहा है। मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये देखने के बाद जनता बस यही बोल रही है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसलिए अगली बार प्लीज मैडम जी मौत के कुएं का अंदर कीजिएगा, देखिएगा टीआरपी छप्पर फाड़ के मिलेगा और ऑडियंस को गाड़ी में बैठा लीजिएगा। आप इतना नाराज क्यों हैं जीनियस? एक तो मेरा पर्सनल कारण है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है जी, वो है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। वहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी ड्रिवन और एफिशिएंसी ड्रिवन एक माहौल देता नहीं है। और मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूँ जो जेएनयू से पढ़ के आया हो जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता हो। अरे चौंकिए मत, इसका हुतिया पद एक एलियंस भी परेशान है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। लेकिन एक सेकंड, यू सेड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जेएनयू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ निर्मला सीतारमण? जेएनयू से इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने अच्छे लोग वहाँ से निकले हैं जी, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप बताइए। आप बताइए, मेरे को तो नहीं पता कुछ। क्या करते हो कैसे लोग रहते हैं? सिर्फ पैसों के लिए फिल्म बनाने से कुछ नहीं होता, जमीनी सच्चाई को दिखाते तो मानते। क्या किया उन्होंने बीजेपी वालों ने? आके एक काम बोलो, लेकिन वो तो बड़ा फिल्म बना रहे हैं, बीजेपी फिल्म को जो है प्रमोट कर रही है। अग्निहोत्री ने उसे पैसे कमाया, मतलब नहीं कि 2 करोड़ रुपया, मैं बोलती हूँ उन्हें पैसे कमाया। अग्निहोत्री ने पैसा कमाया, जो हुआ कश्मीर में उसे दिखाया, वो हमको पता है, उसे दिखाया हुआ। मैं बोलूंगी क्या क्या हुआ कश्मीर में, हम छोटे नहीं थे, हमको नहीं पता क्या हुआ, उसे दिखाया, उसे मारा गया, मुसलमान भी, सिख भी, हिंदू भी, वो दिखाया उसे, वो दिखाया उसे, वो नहीं दिखाया उसे। इसीलिए अग्निहोत्री को सब कहते हैं प्रोपेगेंडा फैलाना। कोई इनसे सीखे, सीखे इनसे सीखे।